तो आपका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। और यहाँ पर आज बताने वाले हैं कि एक बहुत बड़ा अपडेट आया है यहाँ पर कि CBSE की शेष परीक्षाएं 25 जून को फैसला। मतलब क्या हुआ कि आज जो मैं सुबह में आपको बताने वाला बताया था कि HS एग्ज़ाम को लेकर कि CBSE के ऊपर वो भी डिपेंड है। HS एग्ज़ाम भी अगर CBSE कैंसिल होता है तो मैं भी बंगाल बोर्ड भी कैंसिल हो जाए, तो इसी को लेकर फैसला आया है। CBSE की शेष परीक्षाएँ जो है उसका फैसला 25 जून को होने वाला है। मतलब क्या कोर्ट ने टाल दिया है जिसको। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स का दीवाना में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटा है उसे भी बजा दीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचते रहे। दोस्तों आपको बता दें कि कोर्ट ने इसे टाल दिया है और CBSE ने भी थोड़ा समय मांगा है। CBSE का कहना है कि यहाँ पर हम अपना जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में मेरा प्रक्रिया है, मैं तुरंत ही मतलब इसको अनाउंस करूँगा कि एग्ज़ाम लेना है कि नहीं लेना है। तो होगा क्या, कब, तो 25 जून को होगा, 25 जून को 2 बजे। तो आपको ध्यान रखना है 25 जून 2 बजे उस समय आपका फैसला आने वाला है। आज नहीं हुआ, आज कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा या फिर CBSE ने टाइम मांगा है या फिर कोर्ट ने इसे मतलब अभी डेट को आगे पोस्टपोन कर दिया है। तो इसका सुनवाई 25 जून को आपको होगा। और ध्यान रखिएगा कि HS एग्ज़ाम होगा वो CBSE के पे पूरा डिपेंड होगा, क्योंकि CBSE एग्ज़ाम होगा तभी जाके HS एग्ज़ाम होगा, वरना बहुत कम चांस है। तो HS एग्ज़ाम तभी होगा जब CBSE का एग्ज़ाम होगा। तो इस पर खबर है, थोड़ा सा छोटा सा खबर है, पढ़ लेते हैं हल्का सा इसको आर्टिकल को हम लोग। CBSE की शेष परीक्षाएं 2 जुलाई को कराई जाए या नहीं, इस पर अब गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल CBSE ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि CBSE की शेष परीक्षाएं 1 जुलाई से कराई जाए या नहीं, इस पर फैसला एडवांस स्टेज की प्रक्रिया में है। मतलब कि प्रक्रिया लगभग कम्प्लीट है। इसमें जो थोड़ा सा मतलब सिर्फ डिसीजन देना है कि एग्ज़ाम लेना है या नहीं लेना है, या एक चीज़ और आ सकता है इसमें, होगा क्या कि एग्ज़ाम ऐच्छिक कर दिया जाए, मतलब जिसको देना है वो देना है वो एग्ज़ाम देगा, जिसको नहीं देना है वो नहीं देगा, ऐसा भी रूल हो सकता है। ऐसा रूल बनेगा तो भी अच्छा ही होगा देखा जाए तो, ऐसा भी रूल हो सकता है। जैसे कि आपको पता होगा ICSE ने पहले ही ऐसा रूल बना दिया है, लेकिन ICSE भी क्या बोल रहा है कि अब CBSE का बात मानेगा, मतलब जो CBSE करेगा वही ICSE भी करेगा। यानी CBSE एग्जाम कैंसिल करता है तो ICSE भी एग्जाम कैंसिल कर देगा। तो यानी ICSE करेगा CBSE भी करेगा तो अदर स्टेट क्यों नहीं करेंगे यार, वो भी करेंगे, तो उनको भी करना पड़ेगा, ठीक है, अदर स्टेट वाले को भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फाइनली बात यही निकलती है कि अदर स्टेट वाले भी एग्ज़ाम कैंसिल करेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है तो। अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि एग्ज़ाम कराया जाए, रूल एंड रेगुलेशन के साथ एग्ज़ाम को कराया जाए, तो फिर अदर स्टेट अदर बोर्ड भी करा सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं लेकिन करा भी सकते हैं, ठीक है। तो कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा।